भीषण गर्मी और लू के दृष्टिगत शाहिद अशफाकउल्ला खां प्राणी उद्यान में जीव जंतुओं को बचाने के लिए प्राणी उद्यान प्रशासन द्वारा व्यापक पैमाने पर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है, जिसमें प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता, बाड़ों में जानवरों के लिए कूलर की व्यवस्था के साथ ही कुछ बाड़ों में एसी भी लगाए गए हैं। साथ ही प्राणी उद्यान में आने वाले दर्शकों के लिए बैठने वाले स्थानों को छायादार बनाने के साथ शीतल पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए DFO विकास यादव ने बताया। देखिए, चिड़ियाघर के सभी जानवरों के लिए व्यवस्था हम लोगों ने तापमान बढ़ने से पहले ही प्रारंभ कर दी थी। मार्च माह में ही लगभग सभी व्यवस्था हमारे द्वारा कर ली गई थी। खासतौर पर वो जो पानी की उपलब्धता को हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जो भी उनके टैंक हैं, जहाँ भी उनके पूल हैं या जहाँ पर जो पानी भरा रहना चाहिए, वहाँ पानी की लगातार उपलब्धता रहती है। साथ ही साथ जो स्प्रिंकलर सिस्टम है सभी बाड़े में, वो प्रारंभ कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ ही जो भी बाड़ों के अंदर जो भी नाइट सेल होते हैं, जहाँ जानवर दिन में या रात में आराम करता है, वहाँ कूलर की व्यवस्था कर दी गई है, वो लगातार संचालित भी है। जिन बाड़ों में या जिस सेल में एसी की व्यवस्था की आवश्यकता होती है, वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। जो मरम्मत की आवश्यकता थी, वो पूर्ण कर लिया गया है। इसी के साथ में जो हमारे दर्शक आते हैं, उनके लिए भी, उनके बैठने के लिए, क्योंकि गर्मी में पानी की आवश्यकता बहुत होती है, तो जो भी वहाँ पर शौचालय हैं या जहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करा दिया गया है। जो शेड वहाँ थे, वो दुरुस्त हैं, अच्छी स्थिति में है, जहाँ दर्शक आराम से बैठ सकते हैं। साथ ही साथ 7 नए शेडों का प्रस्ताव बनाया गया है और जल्दी ही 7 नए शेड भी दर्शकों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी के साथ में हम लोगों का ये भी प्रयास है कि किसी जानवर को यदि कोई तकलीफ होती है, तो हमारी मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध है, तो उसका त्वरित उपचार किया जाता है, ताकि उसको किसी भी तरह का गर्मी के वजह से अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको दूर किया जा सके।